तो आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिनभर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 4 सितंबर 2020 शुक्रवार का दिन, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों ताकि कोई भी खबर छूटने न पाए, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरोना संक्रमण पर मंत्री सिंहदेव का बड़ा बयान, कहा 2 हफ्ते के भीतर कम हो सकती है रफ्तार, लेकिन आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ में विटामिन सी टैबलेट की मांग 10 गुना बढ़ी। राज्य में कोरोना की वजह से विटामिन सी टैबलेट की मांग 10 गुना से अधिक बढ़ गई है। अचानक मांग बढ़ने से दवा बाजार में इसकी किल्लत हो गई है। दवा बाजार के जानकारों के अनुसार प्रदेश में पहले हर महीने 30 से 35 लाख विटामिन सी टैबलेट की बिक्री होती थी, अब मांग 3 करोड़ टैबलेट से अधिक की हो गई है। राजधानी में हर महीने 5 लाख टैबलेट की मांग होती थी, जो अब 50 लाख से अधिक हो गई है। मांग मार्च के बाद से बढ़ती गई और मई से सबसे अधिक बिकने वाली टैबलेट बन गई। मांग के अनुरूप विटामिन सी टैबलेट की आपूर्ति करने में दवा कंपनियों के पसीना छूट रहा है। दवा कारोबारियों ने बताया कि प्रदेश में 25 से 30 फार्मा कंपनियां हैं जिनकी विटामिन सी टैबलेट प्रदेश के दवा बाजार में उपलब्ध है। दवा निर्माण में लगने वाला जरूरी सामान बाजार में सीमित होने की वजह से कंपनियां मांग के अनुरूप निर्माण नहीं कर पा रही है। साथ ही आगे खबर है दोस्तों रविवी में तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू। रायपुर पंप रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने विश्वविद्यालय और अधीनस्थ महाविद्यालयों में सीटें रिक्त होने की वजह से तीसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया की अधिसूचना जारी कर दी है। विद्यार्थी तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 4 सितंबर तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद विषयवार मेरिट लिस्ट जारी होगी और 8 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रविवी की दूसरी मेरिट लिस्ट 68% में रुकने की वजह से कई विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह गए थे, वे अब खुश हैं। उनका कहना है कि वे भी शासकीय विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ सकेंगे। विश्वविद्यालय के जिम्मेदारों की माने तो प्रवेश प्रक्रिया में लेट लतीफी होने की वजह से विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र पिछड़ सकता है। तय समय पर सिलेबस पूरा करना भी विश्वविद्यालय प्रबंधन के लिए चुनौती बना हुआ है। विश्वविद्यालय और अधीनस्थ महाविद्यालय में तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। 8 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी है। नियमों के आधार पर ही विद्यार्थियों को प्रवेश देने का निर्देश सभी अधीनस्थ महाविद्यालयों को जारी किया गया है। अगली खबर है कोरोना संक्रमण पर मंत्री सिंहदेव का बड़ा बयान, कहा 2 हफ्ते के भीतर कम हो सकती है रफ्तार। रायपुर छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यहां रोजाना हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं मौत के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हालात काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं। इसी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ा बयान दिया है। सिंहदेव ने कहा है कि सितंबर माह के तीसरे सप्ताह में प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम हो सकती है, लेकिन बाद में फिर तेजी की आशंका है। बढ़ते मामले और घटते रिकवरी रेट पर सिंहदेव ने कहा कि जांच बढ़ने की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन मृत्यु दर काफी नियंत्रित है। बता दें कि जारी हुए मेडिकल बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में अब तक 35,683 मामले आ चुके हैं, जिसमें 18,220 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं और 17,164 मरीजों का उपचार डॉक्टरों की निगरानी में जारी है। वहीं प्रदेश में अब तक 299 लोगों की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट अपडेट है सभी रूटों पर दौड़ने लगी बसें, कुछ को ड्राइवर व कंडक्टर का इंतजार। बिलासपुर राज्य सरकार और बस संचालकों के बीच समझौता होने के बाद सभी रूटों पर बस संचालक बस चलाने के लिए राजी हो गए हैं। बुधवार को पैंड्रा अंबिकापुर रांची इलाहाबाद रायपुर शिवरी नारायण मुंगेली लोरमी कोटा सहित अन्य मार्गों में बसें चालू हो गई हैं। वहीं अधिकांश बस संचालकों ने अपने ड्राइवर व कंडक्टरों को काम पर लौटने की सूचना भिजवा दिया है। बस संचालकों का कहना है 2-3 दिन में सभी बसें रूट पर दौड़ने लगेंगी। राज्य सरकार की ओर से बस संचालकों को शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है। बताया जाता है बस में यात्रियों को बैठाने से पहले उसकी जांच होगी, सैनिटाइजर और मास्क लगाना अनिवार्य है। बस जो सीटिंग कैपेसिटी है उससे 50% यात्री ही बैठाना है। 50% से ज्यादा पाए जाने पर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निजी बस संघ के प्रवक्ता एसएस दुबे ने बताया कि रतनपुर से कटघोरा तक लगभग 50 किलोमीटर तक रोड खराब है, जिसके कारण बसें सीपत बलौदा होते हुए कटघोरा कोरबा जाएंगी, रतनपुर से नहीं चलेंगी। दुबे ने बताया कि 90% ड्राइवर कंडक्टर अपने घर पर हैं, जिनको काम पर वापस जाएंगे। इसी के साथ खबर है राजनांदगांव निगम क्षेत्र में 8 दिन का टोटल लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 4 से 12 सितंबर तक बंद रहेंगी सभी दुकानें। राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र के सभी व्यावसायिक संस्थानों को 4 सितंबर सुबह 7 बजे से 12 सितंबर शाम 7 बजे तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि जिले में विशेष नगर पालिक निगम राजनांदगांव
सीमा क्षेत्र में कोरोना COVID-19 के लगातार बढ़ते पॉजिटिव मामलों को दृष्टिगत रखते हुए एवं जनप्रतिनिधियों, सामाजिक व व्यापारिक संगठनों द्वारा की जा रही मांग पर संपूर्ण नगर पालिका निगम राजनांदगांव क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस प्रतिबंध से केवल अस्पताल, मेडिकल शॉप, शासकीय व अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक, मीडिया, न्यूज़पेपर वितरण, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियों को मुक्त रखा गया है। दूध डेयरी सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खुले रहेंगे, किंतु डेयरी में दूध के अलावा अन्य सामग्री विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग जैसे राइस मिल, दाल मिल, पोहा मिल इत्यादि यथावत संचालित रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घर से बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा। साथ ही घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा। क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाइयां को आवश्यक शर्तों के साथ छूट दी गई है, जिसके अंतर्गत श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री या इकाइयों को स्वयं करनी होगी। आगे खबर है कोरोना में राहत भरी खबर। रायपुर मंडल की 3 ट्रेनें 4 सितंबर से फिर पटरी पर दौड़ेंगी। 5 माह से बंद है परिचालन। कोरोना संक्रमण के बीच पिछले 5 माह से बंद ट्रेनें एक बार फिर पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे शुक्रवार 4 सितंबर से 3 ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। तीनों ही ट्रेनें रायपुर मंडल की हैं। इसमें रायपुर से कोरबा, दुर्ग से अंबिकापुर इंटरसिटी और रायपुर केवटी डेमो शामिल हैं। इन ट्रेनों को लेकर रेलवे प्रशासन ने टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। फिलहाल स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलेंगी तीनों ही ट्रेनें। फिलहाल रेलवे स्पेशल के तौर पर चलाएगा, यानी अभी ये नियत समय 30 सितंबर तक के लिए ही तय की गई है। यात्रियों की संख्या और कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए रेलवे प्रशासन इसके फेरे में विस्तार करने का निर्णय लेगा। ट्रेनों के शुरू होने से राजधानी के साथ राज्य भर के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। त्योहारों पर इंटरस्टेट चलाने को लेकर हो रहा विचार। रेलवे अफसरों के मुताबिक अब धीरे धीरे नियमित ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। दशहरा, दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए व्यस्त रूट में भी इंटरस्टेट ट्रेनों को चलाने पर विचार किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन और मंडलों से इस बारे में जानकारी मांगी है। साथ ही गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही खबर है दोस्तों, हिडन कैमरा स्मार्टफोन, दुनिया का पहला अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला फोन लॉन्च। 2000 गीगाबाइट से भी ज्यादा स्टोरेज बढ़ा पाएंगे। जानिए कैसे हैं फीचर्स और कीमत। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी ZTE ने दुनिया का पहला अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यानी इस फोन की स्क्रीन के अंदर कैमरा फिक्स किया गया है जो ये दिखाई नहीं देता। इस स्मार्टफोन को ZTE 120 5G का नाम दिया है। ये 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। फिलहाल इसे घरेलू मार्केट में लॉन्च किया गया है। ZTE 120 5G की कीमत। ये दुनिया का पहला अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला स्मार्टफोन है, लेकिन इसकी कीमत ग्राहकों के बजट को ध्यान में रखकर तय की गई है। चीनी बाजार में इसे 3 वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया है। इस फोन को ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज और पर्पल कलर वेरिएंट में खरीदा जा सकता है। हालांकि चीन से बाहर इस फोन के कब लॉन्च किया जाएगा इस बारे में कंपनी ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। नेक्स्ट खबर है प्रतिबंध का मिला फायदा। टिकटॉक पर बैन के बाद चीनी ऐप स्नैक वीडियो ने बनाई भारत में पैठ। अब तक 2.3 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड। लद्दाख की गलवान घाटी में सीमा विवाद के बाद भारत सरकार ने 29 जून को चीन की कंपनियों के 59 ऐप पर बैन लगा दिया था। इसके बावजूद भारत में चीनी ऐप धड़ल्ले से चल रहे हैं। भारत की ओर से लगाए गए बैन के चीनी ऐप के समान दूसरे ऐप के लिए दरवाजे खुल गए हैं। खासतौर पर शॉर्ट वीडियो कैटेगरी में नए ऐप को मौका मिला है। इस दौरान कई होम ग्रोन और विदेशी ऐप की डाउनलोड संख्या बढ़ी और इन्होंने बैन किए गए ऐप से खाली हुए स्थान पर दावा किया है। इनमें चीन से जुड़ा हुआ एक और ऐप स्नैक वीडियो भी शामिल है। बैन के बाद स्नैक वीडियो को बढ़ावा मिला है। 21 जुलाई से स्नैक वीडियो भारत में गूगल प्ले स्टोर पर फ्री ऐप कैटेगरी में टॉप पर बना हुआ है। लोगों को खूब पसंद आ रहा है स्नैक वीडियो। टिकटॉक पर बैन के बाद स्नैक वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। यही कारण है कि चीनी ऐप पर बैन के बाद स्नैक वीडियो के भारत में अब तक 2.3 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। स्नैक वीडियो ऐप बनाने वाली कंपनी कुआशु टेक्नोलॉजी का कुवाई ऐप पहले ही भारत में बैन हो चुका है। कंपनी ने इस ऐप का भारत में पूरा ऑपरेशन बंद कर दिया है।